रोबी, रोबी तो ठीक है ना? तो ठीक तो है ना? देखा, हम दोनों ने वो लस्सी बदल दी। पिशाचनी की लस्सी पीने ही नहीं थी, उसके बदले में दूसरी लस्सी रख दी। पिशाचनी की लस्सी पी के जो होने वाला था ना बुरा, वो सबको टल गया। हमारा जादू चल गया। बस करो, बस। क्या ठीक हो गया? हाँ, कुछ ठीक नहीं हुआ है। क्या ठीक हो गया? ये सफेद बाल देख रही हो क्या? ये बुढ़ापे की उम्र अभी तक नहीं गई है मेरी। रोमी ठीक है, क्या 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 हुआ? क्या हुआ तुझे? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, खाना नहीं मिला तो मेरा पेट फट जाएगा, समझ आ रही है तुम्हें? ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम किचन जाते हैं और तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। तुम लोगों ने सुना नहीं शायद मैंने क्या कहा। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। रोमी, रोमी, रोमी! अरे ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे इसे खाने की भूख नहीं, किसी नशे की लत लगी हो, नहीं मिला तो मर जाएगा। पता नहीं वो पिशाचिनी इस लस्सी में ऐसा क्या मिलाती है कि हमारे परिवार वाले उसे नहीं पिए तो उनका ये हाल हो जाता है। क्या से क्या बना दिया है उसने सबको। मैं उस पिशाचिनी को ना छोड़ूंगी नहीं दिव्या। ये अचानक से क्या हुआ? मेरा पेट फट जाएगा, मुझे कुछ खाना है। ये रोमी मुझे क्या हुआ? रोमी, रोमी मुझे भी भूख लगी है। मेरे प्यारे दुश्मनों, शेरगिलों, तुम सबके अंदर का शेर तो गया, सबके सब गुल हो गए और तुम सब जहां हो वहीं के वहीं जम गए हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुम सब ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती लस्सी मिस कर दी। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये है कि अब तुम सब इंस्टॉलमेंट में तड़प तड़प के मरोगे और तुम सबकी मरने की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी मौत की गिनती शुरू हो चुकी है। अब से 12 घंटे की जिंदगी है तुम लोगों के पास। अगर मौत से बचना चाहते हो तो प्यार से बता दो कि छत से कूदने के बाद तुम सबको वापस छत पे कौन लाया। पर्दाफाश करो या फिर 12 घंटे में मरो। दी, ये क्या था? ये साजनी की आवाज थी, सुना तूने? हाँ, उसने सबको फ्रीज कर दिया और इन सबको देखो। दिव्या, साजनी ने कोई बहुत बड़ा जादू किया है, इसलिए वो जो कह रही थी वो सिर्फ शहर के लोगों को और हमें सुनाई दिया है। इन मेहमानों में से किसी को भी कुछ भी सुनाई नहीं दी। रोमी, इसे लेकर चलता है। रोमी रोमी दी, रोमी के तो सारे बाल सफेद हो गए, चेहरे पे इतनी झुर्रियां आ गई है, कमर भी तो सीधा भी नहीं खड़ा हो पा रहा। रोमी तू रोमी का ध्यान रख, मैं बाकी परिवार वालों को देखकर आती हूँ कि उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। मेरी कमर। क्या हुआ महिमा? पता नहीं, अचानक से मेरी कमर में दर्द उठ गया। अच्छा। और मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। रुलना ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। क्या हुआ चेतन जी? पापा, पापा आपको चोट तो नहीं लगी ना? पापा, दृष्टि बेटा, पापा उठिए। नहीं उठा जा रहा बेटा, नहीं उठा जा रहा। इसका मतलब रजनी जो बोल रही थी वो सच हो रहा है। इनकी जिंदगी के आखिरी 12 घंटे का सफर शुरू हो चुका है। माँ, इनकी जिंदगी के बस आखिरी 12 घंटे बचे। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है ये और बूढ़े होते जा रहे हैं। साजनी की उम्र खा रही है। माँ, क्या हुआ साजनी? तुमने मुझे यहाँ रूम में क्यों भेज दिया था? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बाहर हॉल में मैं जो ब्रेकिंग अनाउंसमेंट करने वाली थी तुम्हें उसकी भनक लगे और तुम्हारी सोई हुई यात्रा चाट जाए। रकुश हो ना, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए तो बुलाया। एक काम है मेरा, करोगे? हाँ बोलो। 1 मिनट। शोना, तुम्हें पता है ना हमारी शादी के बाद ये मेरी पहली चतुर्थी है इस घर में, तो मैं गणेश जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पास में ना एक गणेश जी का मंदिर है, तो प्लीज़ तुम वहाँ जाके गणेश जी के चरणों में ये धोती चढ़ा दोगे प्लीज शोना? हाँ साचिनी, पर मन्नत तुमने मांगी है, पूजा तुमने करनी है, थैंक यू तुमने बोलना है, तो तुम्हें भी मंदिर चलना चाहिए राइट? तो एक काम करो, तुम भी मेरे साथ मंदिर चलो। हाँ, मुझे ही चलना चाहिए, ये धोती भी मुझे ही चढ़ानी चाहिए, सब मुझे ही करना चाहिए। और मैं करना भी चाहती हूँ, तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ रकुश होना, पर क्या करूँ? देखो ना घर में कितने मेहमान आए हुए हैं पापा के दर्शन के लिए, अब उन सबको भी तो संभालना है ना, तो मैं कैसे आ सकती हूँ, इसलिए तुम ले जाओ ना। ये शोना, मैंने मन्नत मांगी थी ना कि सूर्यास्त से पहले ही धोती चढ़ा दूंगी, मेरी मन्नत अधूरी रह जाएगी ना। प्लीज़ मेरी तरफ से तुम चढ़ा दो ना ये धोती, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुम जाओ मैं जाओ, एक ही बात है ना। प्लीज ठीक है, चला जाता हूँ, पर मंदिर कहाँ है मुझे पता नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, ड्राइवर से कह दिया मैंने, वो तुम्हें ले जाएगा। थैंक यू सो मच शोना, चलो चलो जाओ, जाके मेरी मन्नत पूरी करो। ओह शोना, वो मैं ना क्या हुआ शोना, मेरा प्यार ठुकरा रहे हो? प्यार नहीं करते मुझसे? नहीं, चलता हूँ घर में। अच्छा हुआ भला चली। बाय रकुशोना। क्या हो रहा है? आना चाहिए मुझे, आना चाहिए, आना चाहिए। रवि, क्या कर रहे हो? सबके सामने क्यों आ रहे हो? सबको शक हो जाएगा तुम पे। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा है? रवि रवि रवि, रुक जाओ रवि, प्लीज। ओ गॉड, रवि रवि, चल चलो यहाँ से, चलो ना चलती। मम्मा ये लीजिए। मामा फिक्र मत कीजिए, देखिए गणपति बप्पा आए ना हमारे घर इस साल, वो बप्पा है, दुख हरता है, वो हमारे सारे दुख हर लेंगे। देखना वो हमें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ेंगे। भाभी आप तो जादू कर सकती है ना, कुछ तो कीजिए कि हम सब ठीक हो जाए। हाँ प्लीज भाभी। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। सॉरी, I'm sorry मॉम, मेरा जादू काम नहीं कर रहा है। पता नहीं उस पिशाचिनी ने आप लोगों पे कौन सा काला जादू किया है। रोमी, तुम पे किसी ने भूख का जादू किया क्या? जब से देख रही हो तुम खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। भूख लगी तो खाऊंगा नहीं क्या? पागल हो चुका हूं मैं, इतनी बार भूख लग चुकी है, इतनी बार खा चुका हूं, पेट की बर्दाश्त है। रोमी प्लीज ऐसा मत करो, रोमी लोग देखेंगे तो शक हो जाएगा, प्लीज। पर मैं भूख से मर गया तो क्या होगा? चलो रोमी, तब मत खाओ, चलो रोमी, स्टॉप इट प्लीज। रोमी सीधे खड़े हो जाओ प्लीज। Oh my God, रोमी तुम्हारे सारे बाल काले हो गए, तुम सीधे खड़े हो, तुम्हारी कमर भी सीधी होगी, और तुम खांस भी नहीं रहे हो, मतलब तुम एकदम पहले जैसे। तुम्हारा सारा बुढ़ापा। हाँ दिव्या, मोदक, इसका मतलब ये सब कुछ मोदक की वजह से हुआ। Oh my God, रोमी तुम यही खड़े रहना, ओके? कहीं मत जाना, मैं अभी आई। Don't go. ये चीख किसकी थी? मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, आप सभी फिक्र मत कीजिए। देखना हम ना जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। दी, रास्ता मिल गया है। बड़ी माँ, रास्ता मिल गया। अब ठीक हो जाएंगी। आप प्लीज बैठिए। बड़े पापा, रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया, अब सब ठीक हो जाएंगे। अरे ये हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। और ये शेरगिल्स हर तरह से तो टॉर्चर करके देख लिया इनको, पर ये भी बता ही नहीं रहे कि इन सबको किसने बचाया है। पहले तो मुझे लगा कि वो दोनों चूहियाँ घर के अंदर आ गई हैं, पर नहीं, ये जो कोई भी आया है इसके पास उन दोनों चूहियों से भी ज्यादा शक्तियाँ हैं। कौन आया है? हाँ काल देवता, ये कौन आया है? मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली कौन आ गया? चुप चूहिया, इन सब छोटी छोटी चीजों को छोड़ बड़ी शक्तियों के बारे में सोच। ये सोच हमें वो तीन महारत्न, उनकी शक्तियाँ कैसे हासिल करनी है। काल देवता, इन सबको बचाने वाला कहीं नर का कोई जानवर तो नहीं? हाँ, हो सकता है ना कि नर का कोई जानवर भाग के बाहर आ गया हो। बस इतना खून मत खोला, इतना मत चिल्ला। नरक से सिर्फ एक ही जानवर भागा था और वो है वो कान खजूरी रंगीली। हाँ, वो जो किसी काम की नहीं है, यूजलेस। ये मोदक तो चमत्कारी है, इनको खाने से मेरा बुढ़ापा चला गया। अब यही मोदक मैं घर वालों को खिलाऊंगा, सबका बुढ़ापा चला जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। और जिसकी दर्द से चीखने की आवाज आई है उसको भी खिलाऊंगा। 1 2 3 4 गणपति पापा सुपरस्टार। मेरी कमर। ऐश आंटी, क्या हुआ? आप उठिए। ये रोमी पता नहीं कहाँ चला गया, कब से ढूंढ रहे हैं। दी, रोमी ने मोदक खाया। बाबा के मोदक में बहुत शक्ति है, सब लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब रोमी दिखाई नहीं दे रहा, मोदक भी गायब है। सब कहाँ है? सब पता नहीं रोमी कहाँ चला गया। हाथ दीजिए। नहीं उठा जा रहा। आंटी हाथ दीजिए, कोशिश कीजिए, आराम से। नहीं हो पा रहा रोमी। हो जाएगा। हाय जादुई मोदक, इसे खा के एक बुढ़ा तो जवान हो गया, पर किसी और को नहीं होने दूंगी। ये सारे मोदक तो मैं खा जाऊंगी, फिर ना रहेगा मोदक, ना आएगी जवानी। ये सब कब ठीक होगा रोमी? आपका दर्द अब जल्दी चला जाएगा आंटी, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास सबके बुढ़ापे का इलाज मिल गया, वो है बप्पा का मोदक। दी, क्या हुआ? चल। आइए, बहुत दर्द है। आइए आराम से उठिए आंटी। आइए मैं आपको उठाती हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। दी तुम इनको लेके जाओ, मैं मोदक लेके आराम से संभाल के। चाची ऐसा लग रहा है कमर टूट ही जाएगी बेटा। कहाँ मर गई थी? हाँ, कहाँ भटक रही थी? चल बताओ। जब देखो गायब। अरे तुम नाली में डूबी मर जाती ना, वो ही अच्छा होता, समझी? तो तुझे बचा के ना मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अरे कनखजूरी, ये ले कनखजूरी ले। मालकिन इतना चिल्ला कर मेरी बातों से, मेरे पास गजब का माल है। इतना गुस्सा क्यों करती है मालकिन? इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं अपने साथ बहुत ही मोटी खबर लाई हूँ। आपको पता है वो शेरगिल्स जिनको आप बूढ़े पे बूढ़ा कही जा रही हैं, उनको बुढ़ापा रोकने का इलाज मिल गया है। आपकी शय को मात दे रहे हैं, वो बहुत हवा में उड़ रहे हैं। क्या? हाँ, आप सब ये मोदक खाएंगे तो आप सबकी उम्र पहले जैसी हो जाएगी। देखिए रोमी को, ये मोदक खा के इसकी उम्र पहले जैसी हो गई है। आप सभी खाइए। माँ लीजिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। खाइए खाइए चाची। मोदक? तो फिर तूने क्या किया? वही जो मुझे करना चाहिए था। भगवान के प्रसाद में चढ़े वो मोदक मैंने सारे खा लिए और फिर उन मोदक के बदले मैंने दूसरे मोदक रख दिए। किसी ने आपकी लस्सी बदली थी ना, मैंने उनके मोदक बदल दिए। लेकिन उस पहले वाले मोदक में ऐसी क्या खास बात थी? ये मोदक खास नहीं महाखास है। ये गणपति जी के चरणों पर रखे हुए थे, उनका आशीर्वाद मिला इसे। और पता है ये भोग महाभोग के हिसाब से चढ़ा गया था। कहते हैं जो लोग महाभोग खाते हैं ना, उनके सारे डिजीज सारे बीमारियां सब खत्म हो जाते हैं। अब सब लोग पहले जैसे हो जाओगी, एकदम ठीक हो जाओगी। बिल्कुल चाची, लीजिए खाइए। क्या हो रहा है? इन सबने सारे मोदक खा लिए पर इन पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? इनकी उम्र पहले जैसी क्यों नहीं हो रही है? जब रोमी ने ये मोदक खाया सब वो तो एकदम पहले जैसे ठीक हो गया। अरे मेरा दांत टूट गया मोदक खा के। ये रोमी को तो कुछ नहीं हुआ, ये वापस जवान हो गया और मोदक खा के हम वैसे के वैसे ही हैं। ऐसे कैसे? अरे सिमर जल्दी जाओ और मेरी हेयर डाई लेकर आओ। हाँ वो क्यों जाएगी, तुम उठो, तुम जाओ, तुम लेकर आओ। नहीं नहीं नहीं, मेरी तो कमर की टूटी जा रही है, मैं कैसे जाऊं? क्या गाऊं? अरे खाऊं नहीं, जाओ जाओ। समझ में नहीं आ रहा है, खुद उठ के नहीं जा सकती। वाह 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 रंगीली, आज तूने पहली बार सही काम किया, अकल से काम लिया है। बस सिर्फ कुछ घंटे और बाकी है। रंगीली ये जो तूने टर्न लिया है ना, चल इसमें एक नया ट्विस्ट मारते हैं, कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं। ओ शेर गिलो, अब देखो तुम्हारा क्या हाल करती हूँ मैं। आ रही हूँ। अभी ये मेरी बात सुनती नहीं है। शांत हो जाइए, आप चिल्लाएंगे बार बोला है। क्या जरूरत है दी? प्लान बी का समय आ गया है। रहस्य तारा, लेकिन वो चाची ने हमसे छीन लिया था। जब हम दिव्य काम करते ना, हम दोनों हाथ पकड़ के एक बार कोशिश करते, क्या पता रहस्य तारा हमारे पास वापस आ जाए। कोशिश करते ना एक बार, चलो भागो। अरे भागो, अरे सुनो, आप सब कहाँ जा रहे हैं? आंटी आप सब कहाँ जा रहे हैं? राशि आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बाहर बाहर मेहमान है, अगर आपको इसी हालत में देख लेंगे तो हंगामा हो जाएगा। आप प्लीज आप नहीं, आंटी आप प्लीज रुकिए। जागो, कैसे जागो? मेरी कमर, अरे मेरी कमर के टुकड़े इधर उधर गिरे जा रहे हैं। सब कुछ हाथों से निकलता जा रहा है, अब क्या होगा? सब लोग बाहर क्यों आए? मैंने बुलाया है, अब देखना यहाँ एक नई महाभारत होगी। इन सारे शेरगिल्स का फाड़ू शेर सामने आएगा, सब एक दूसरे पे अटैक करेंगे और आपस में ही लड़ मरेंगे। इसे कहते हैं शाचनी का वार। पी साइलेंट, बाकी सब वायलेंट। सिमरन सिमरन दुखी के ना, सिमरन सिमी 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 सिमी, आपने मुझे धक्का दिया, अब ये देखिए मेरा सिमी। आंटी अरे आपको बचा दे, चोट तो नहीं लगी ना? के सामने अच्छा सा मजाक के रह गए। मेहमान क्या सोच रहे होंगे? जिंदगी मुबारक हो। नई शक्ति, नई दिव्य दृष्टि मुबारक हो। हमें आपसे कुछ मदद चाहिए। मैं जानता हूँ पूरा शेरगिल परिवार बुढ़ा हो गया है, साचिनी उनकी उम्र खा गई है। वो जो लस्सी पिलाती है सबको, उसी लस्सी ने सबका ये हाल कर दिया है। और वो उस लस्सी में ऐसा भी क्या मिला रही है? यही तो पता लगाना है तुम दोनों को। वो उस लस्सी में क्या मिलाती है, उसे कैसे बनाती है, पता लगाओ। तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा, उनके बुढ़ापे का इलाज मिल जाएगा, शेरगिलों को उनकी उम्र वापस मिल जाएगी। Estaba